इंदिरा गांधी ने ध्यान दे दी पर खालिस्तानी बनने दिया, कम बात ठीक है। जब मैंने अनाउंसमेंट किया गांधी म्यूजियम का तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनेगा। लोकतंत्र की स्थिति क्या है, देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। इंदिरा गांधी ने ध्यान दे दी पर खालिस्तानी बनने दिया, कम बात ठीक है। ये कम बात है कि प्रधानमंत्री अपनी जान दे दे, उनको मालूम था मेरी जान जा सकती है, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था, मुझे उन्होंने कहा। और एक दिन पहले का उड़ीसा के अंदर, हो सकता है मेरी जान चली जाए, मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक कतरा इस देश के काम आएगा। ये त्याग बलिदान करने वाली पार्टी आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। राजीव गांधी शहीद हो गए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित होनी चाहिए। अब ये लोग जो आ गए हैं सत्ता में, इन्होंने इनको पूछो आपने आज़ादी की जंग में आप कहाँ थे, उम्र के हिसाब से आप भी यही थे। ऐसे इनके बड़े बड़े उम्र के नेता हैं वो भी जिंदगी में थे, इन्होंने उंगली भी कटाई है क्या आज़ादी जंग के अंदर? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। सवाल ये नहीं कि चौथी बार अशोक गहलोत सरकार या चौथी बार गहलोत सरकार, ये सवाल हमारे सामने नहीं है। सवाल बहुत बड़ा है, उसमें आपकी भूमिका की जरूरत है। सवाल ये है कि इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है, देश की दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। जिस प्रकार आरएसएस बीजेपी ने जो कब्जा किया है, जिस रूप में धर्म के नाम पर, बहुत आसान काम होता है चुनाव जीतना, कोई बहुत बड़ी बात बहादुरी का काम नहीं है। जाति व धर्म ऐसी चीज है उसमें सब कुछ संभव है। सवाल ये कि संविधान की ध्वजा उड़ रही है, आज आलोचना पसंद है इनको। मैं ये कहता हूँ पक्ष जब है विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो पक्ष क्या है? सिंपल बात है, अगर लोकतंत्र में विपक्ष नहीं है तो पक्ष की सरकार क्या है फिर? सरकार तभी है जब सामने विपक्ष भी है। गांधी ने सत्य की बात की, अहिंसा की बात की, और गांधी को आपने यहाँ तक पहुँचाया है, ये मैं समझता हूँ कि 2006 के अंदर जब सत्याग्रह को लेकर शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था, जब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की और प्रस्ताव पार किया कि अंतर्राष्ट्रीय यूएन के अंदर एक प्रस्ताव पार होना चाहिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए, पूरी दुनिया के मुल्क मनाए। मेरे जहाज एक फॉलोअप किया गया, आनंद शर्मा विदेश मंत्री थे, उनको भेजा गया यूएन के अंदर, और सबसे खुशी की बात यह रही कि पूरी दुनिया के मुल्कों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस सब मुल्क मनाएंगे। आज दुनिया के मुल्कों में ये दिवस मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब मैंने अनाउंसमेंट किया गांधी म्यूजियम का तो मैंने कहा 100 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनेगा। कुमार प्रसाद जी है, इन्होंने कहा 100 करोड़ यूथ नहीं, 20 करोड़ में बना देंगे। और पता नहीं 20 का बनेगा 30 का बनेगा, बन रहा है वो। कहने का मतलब ये सोच गांधीवादियों की हो सकती है,